दो चार्ज पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं किसी एक इंस्टेंट पर। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज ए है और ये निगेटिव चार्ज बी है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मान के चलिए इसका जो वेलोसिटी था v1 था, या इसका स्पीड v1 था और इसका जो स्पीड है ये v2 है, डायरेक्शन वाइज मैंने दिखा दिया यहाँ पर। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ टाइम t1 पर। थोड़ी देर बाद जैसे ये मूवमेंट कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव निगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इन पर अट्रैक्टिव फोर्स तो जनरेट होना ही चाहिए। मतलब इन पर अगर आप फोर्स देखोगे तो वो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इधर होगा और इसका रिएक्शन पेयर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए होगा। तो मुझे फोर्सेस के बारे में, तो अगर आपको पता ही है कि पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस इन दोनों के बीच में इंटरनल फोर्सेस अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन मैं इस इंस्टेंट टाइम t1 पर सोच रहा हूँ कि पार्टिकल ए और पार्टिकल बी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ए का वेलोसिटी v1 था या स्पीड v1 था और बी का स्पीड v2 था। हमें पता है इस पर फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थोड़ी देर बाद क्या होना चाहिए, इसका स्पीड बी का घटना चाहिए और ए का भी स्पीड घटना ही चाहिए। तो चलिए थोड़ी देर बाद पार्टिकल ए यहाँ पर आ गया है और पार्टिकल बी जो है यहाँ आ गया है एट टाइम t2। इस इंस्टेंट पर इसके पास वेलोसिटी और बी के पास वेलोसिटी जो होगा वो पहले से कम होगा, मतलब इसका v1 आ जाएगा और इसका जो स्पीड आ जाएगा v2 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है तो ये फोर्स वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, जो कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा है। तो स्पीड v1 और स्पीड v1 के बारे में अगर आप देखते हो तो पार्टिकल ए जैसा जैसा दूर जा रहा है उसका स्पीड घट रहा है। तो ऐसा मान के चलो ये जो है इसे मैं कह दूंगा कॉन्फिगरेशन 1, और ये जो सेकंड सिस्टम मुझे मिली है मैं इसको बोल दूंगा कॉन्फिगरेशन 2। तो ये कब तक चलेगा, दूसरा कोई और पार्टिकल नहीं है इन दोनों के अलावा। तो ऐसे कोई सिचुएशन हो सकती है कि पार्टिकल बी की स्पीड घटते घटते कहीं ना कहीं ज़ीरो हो जाएगी। ए की भी सिचुएशन सेम हो जाएगी कि पार्टिकल एक जा रहा है दूर और कहीं जाके रुक जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में फोर्स तो है तो उसके वजह से क्या होगा, वापस से ए राइट में आना शुरू हो जाएगा और बी जो है लेफ्ट में आना शुरू हो जाएगा। तो किसी और इंस्टेंट पर, चलिए मान के चलता हूँ एट टाइम t3, पार्टिकल ए वापस से यहाँ आ गया है और पार्टिकल बी जो होगा वापस से वही पोजीशन पे आ गया, लेकिन आपका अभी इनका जो स्पीड रिकॉर्ड कर दिया गया वो स्पीड मिल गया v1 और यहाँ पर इसका स्पीड मिल गया v2। देखिए मैं स्पीड के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर डिस्कस करना है और काइनेटिक एनर्जी में हमें पता होता है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ स्पीड, तो यहाँ पर वेक्टर नहीं है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ कॉन्फिगरेशन 3। तो आप कॉन्फिगरेशन 1 अगर देखो और कॉन्फिगरेशन 3 अगर देखो, तो कॉन्फिगरेशन जो 1 था इसमें मान के चलिए इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी का एडिशन अगर k1 होता है, तो कॉन्फिगरेशन अगर आप 3 देखते हो तो 3 में भी इन दोनों के पास स्पीड वापस से v1 v2 ही मिल गया, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी k1 ही होगा। और जैसे मैं कॉन्फिगरेशन 2 के बारे में बात करता हूँ तो कॉन्फिगरेशन 2 का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मान के चलता हूँ मैं k2 है। तो हुआ क्या, कॉन्फिगरेशन 1 से जैसे मैं कॉन्फिगरेशन 2 में गया हूँ तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट हैव डिक्रीज्ड, तो डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी कम हुआ है तो हमें लग सकता है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये जो एनर्जी है सिस्टम ऑफ पार्टिकल की वो कहीं ना कहीं किसी और अलग टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, क्योंकि देखिए कॉन्फिगरेशन में 3 में क्या हो गया, वापस से काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की k1 ही मिली है। तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था, और वो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो होता क्या है, पार्टिकल जब कॉन्फिगरेशन 1 में था तो काइनेटिक एनर्जी k1, और जब कॉन्फिगरेशन 2 में पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी k2, तो काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी वाला जो डिक्रीज है वो डिक्रीज हुआ है, लॉस नहीं हुआ हमेशा के लिए। सो व्हाट वी शुड डू, अगर कॉन्फिगरेशन 1 में वापस आता है 2 से
तो सेम काइनेटिक एनर्जी मिली है। तो हमें यह सोचना बहुत जरूरी होता है कि कोई ना कोई ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी हमें लेना पड़ेगा जो डिपेंड होगी कॉन्फिगरेशन पर। तो उस टाइप की एनर्जी हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिगरेशन डिपेंडेंट है। तो यहां आपको क्लियरली दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मस्ट हैव गॉट कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर वापस से वो पोटेंशियल एनर्जी मस्ट हैव गॉट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। और द सम ऑफ, अगर आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनका सम लेकर देखोगे तो वो आपको हमेशा कॉन्स्टेंट ही मिलेगा। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब आप बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हर वक्त सिस्टम का ही होगा। जैसे मैं और एक एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने दिखाता हूँ। देखिए, अगर अर्थ है, अर्थ का मास m है, यहाँ से कोई पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल को अगर मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ तो मुझे पता है पार्टिकल के पास अगर स्पीड v है, तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है इसका जो स्पीड होगा वो घटते जाएगा। चलिए मानिए कोई ये इंस्टेंट है जब स्पीड इसका v डैश है, तो थोड़ी देर बाद हमें ऐसा पता चलता है कि पार्टिकल जब वापस इसी लोकेशन पर आने वाला है तो थोड़ी देर बाद देखिए तो पार्टिकल का स्पीड वी डैश आ गया, और मान के चलिए और ऊपर गया, पार्टिकल का स्पीड ज़ीरो हो गया। फिर वापस से जब आता है नीचे तो इसी लोकेशन पर पार्टिकल का स्पीड वी डैश दिखेगा, फिर पार्टिकल जब ग्राउंड पर आता है तो पार्टिकल का स्पीड वी दिखेगा। तो होता क्या है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रही है। अभी देखिए, हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की, लेकिन अर्थ भी है, तो अर्थ और पार्टिकल इन दोनों का मिला के हम एक सिस्टम तैयार कर देते हैं। तो होगा क्या, इस अर्थ को भी मोशन मिलना जरूरी था, लेकिन अर्थ इतनी मासिव है कि उसका जो मोशन होगा वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल कंसीडर करके चले गए या फिर जीरो कंसीडर करके चले गए। तो जो इफेक्ट मुझे दिख रहा है वो सिर्फ पार्टिकल में दिख रहा है। तो हो क्या रहा है, मैं बात करते समय शायद ऐसा बोलूंगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, अर्थ और पार्टिकल का सिस्टम मिला के। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी मस्ट गेट कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। अब यह कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो पार्टिकल पहला यहाँ पर था, तो अर्थ का सेंटर और पार्टिकल का लोकेशन देखिए, फिर पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया तो अर्थ का सेंटर और पार्टिकल के बीच का लोकेशन अलग अलग दिख रहा है मुझे। यहाँ पर पार्टिकल रुक गया है तो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली मस्ट हैव गॉट कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से पार्टिकल का कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज हो रहा है, लोकेशन वाइज चेंज हो रहा है। तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एनर्जी एक्वायर्ड बाय द सिस्टम विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी।